दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपनी इस YouTube चैनल टेक इंडिया जी में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं हाउ टू एक्टिवेट रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन पेटीएम UPI। जी हाँ, क्योंकि ये बहुत ही कमाल का फीचर्स आया है जहां पर आप जो है अपने जो रुपए का क्रेडिट कार्ड है उसको आप पेटीएम के UPI के साथ एक्टिवेट कर सकते हो और वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप चाहते हो कि उसे आप पेटीएम के साथ मर्ज कर लें और वहाँ से आप UPI के थ्रू पेमेंट करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी और आसान हो चुका है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आप अपना जो रुपए का क्रेडिट कार्ड है उसको आप पेटीएम के UPI के साथ कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में और सीखेंगे। आप हमारे साथ ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक ज़रूर से कर लें। चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने पेटीएम अकाउंट को अपडेट कर लेना है। जैसे आप देख सकते हैं मैं अपने पेटीएम पे आ चुका हूँ। पेटीएम पे आने के बाद सबसे पहले अब आपको पहला स्टेप ये है कि आपको ने अपडेट कर लिया, अब आपको यहाँ पर सबसे कोने में जाना है, जो आपका प्रोफाइल वाला ऑप्शन है उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे आपको सेकेंड नंबर पे देखने को मिल जाएगा UPI पेमेंट सेटिंग। ओके, देन आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर मेरा बैंक एक ऑलरेडी लिंकेड है तो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, हमें नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपके सामने एक न्यू यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अपडेट लिंक रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन पेटीएम UPI। देन इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर अभी कुछ बैंक लिमिट है, अभी जो है सभी बैंक को यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया, कुछ ही बैंक है जिसको यहाँ पर से एक्सेस दिया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपका एक्सिस का क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं, ध्यान रखिएगा रुपए का, अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का है, कैनेडा का है, HDFC का है, तो ये कुछ है। तो अगर जो भी आपके पास है उस पर सिंपली आपको एक बार क्लिक करना है। तो मेरे पास यहाँ पर से पंजाब नेशनल बैंक का है, तो यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ पंजाब नेशनल बैंक वाले पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने पंजाब नेशनल बैंक पर क्लिक कर लिया है, यहाँ पर से आपको क्या करना है, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है ना उसका 6 डिजिट यहाँ पर से आपको डालना होगा, और यहाँ पर से 6 डिजिट डाल दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर से आपको जो वैलिड है यानी डेट ऑफ जो आप यहाँ पर एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पर से मंथ और ईयर डालना है। जैसे आप इतना काम करेंगे एंड बूम, ये जो है आपका सक्सेसफुली हो चुका है। होने के बाद यहाँ पर से अब जो है आप किसी को भी अपने क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर से आप पेमेंट कर सकते हो। तो यही चीज़ था जो मैंने आप सभी को बता दिया, और ये बहुत ही कमाल का फीचर्स है क्योंकि यहाँ पर से जो है क्रेडिट कार्ड का यूज़ जो है अब आप UPI के थ्रू करने वाले हो, वो भी बहुत ही ईजी और सरल तरीके से। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर से सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।